सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और कई सारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लखपति भी बना चुका है और बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट दे चुका है। अब स्टॉक है ना नीचे आ रहा है, अपनी रफ्तार को धीमी करते हुए नीचे आ रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप अभी क्वार्टर टू के रिजल्ट से पहले पहले खरीद सकते हो, बिकॉज ऐसी न्यूज आई है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इसका मतलब जो फार्मा सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस Q2 में अच्छा रहेगा, और अगर हम देखें तो Q3 भी इसका अच्छा ही रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पर्सनली मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, फार्मा सेक्टर मेरे लिए नहीं बना है, बिकॉज मैं फार्मा सेक्टर में इतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ मतलब फार्मा सेक्टर अपनी जगह पर अच्छा है, बट आई डोंट इन्वेस्ट इन दैट। मैं उसकी जगह पर IT स्टॉक्स प्रेफर करता हूँ, ऑनली बिकॉज IT स्टॉक में मुझे पर्सनली लगता है कि ज़्यादा ग्रोथ है, एंड मुझे इतने सालों में जो रिटर्न मिला है वो भी आपके सामने ही है, और उसी की वजह से मैं IT सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। FMCG से भी मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, लेकिन मुझे IT सेक्टर में TCS है, ब्राइटकॉम हो गया, वो एक अच्छा लग जाता है, एंड देन फाइनेंस सेक्टर अच्छा लग जाता है। बैंकिंग में तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन HDFC बैंक इज अ गुड ऑप्शन, और इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, और NBFC सेक्टर भी बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है, तो मैं उसके साथ भी जाना प्रेफर करता हूँ। बट मैं अपने फार्मा सेक्टर को ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। COVID-19 के टाइम पर भी मुझे पता था, अभी एक साल पहले भी मुझे पता था कि फार्मा सेक्टर परफॉर्म करेगा, बट स्टिल मैंने इसके अंदर मतलब थोड़ा सा हाथ जमाया था सिनकॉम फॉर्मुलेशन में, बट स्टिल मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, सिप्ला में भी इन्वेस्ट किया था। अभी देखिए अगर आप ये समझ रहे हो कि जितना इसने रिटर्न दिया, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक साल में 250% का रिटर्न, मतलब एक साल में 250% उसकी, ये देखिए ऐसा, और अभी जो गिरावट आई है उसको भी हटा देना तो 400% के रिटर्न। यानी आपका यहाँ पर 1 लाख को बना दिया 5 लाख, तो इतना बड़ा जो स्टॉक ने मतलब इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आगे इतना ज्यादा मूवमेंट देगा। हाँ स्टॉक अच्छा है, प्रॉफिट्स दिखा रहा है और बहुत सारे उसके अच्छे फ्यूचर प्लान्स है, और हालांकि कोई भी फार्मा सेक्टर स्टॉक, हर एक फार्मा सेक्टर स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है बड़े बड़े स्टॉक से वो अच्छे, बट स्टिल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस तरह से हमें फार्मा सेक्टर्स ने मूवमेंट दिया उस तरह से मूवमेंट देगा, अभी जैसे कि फार्मा नीचे आ रहा है तो मैं उसको बाय कर लूँ आगे जाके अपर मूवमेंट देगा, तो पर्सनली मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा मूव तो नहीं देगा, मतलब एक साल में यानी इसने 6 महीने में ही, अगर आपको देखो अगर आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो ना, तो आपको 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में इसने ना 300% के रिटर्न दे ही दिया, मतलब एक ही बार में उसने अपर मूवमेंट दिया एंड अभी नीचे आ रहा है, तो ये जो अपर मूवमेंट है वो 300% की है। तो अगर आपको ये मतलब 2 से 3 महीने में 1 लाख का 5 लाख कर सकता है, तो आप ये मत समझ लेना कि आगे जाके तो मैं इसमें ये लाखों लगा दूँ पूरे, मतलब अपने मैंने पूरी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की है मेरा FD तोड़ दूँ, मैं अपना म्यूचुअल फंड तोड़ दूँ, मैंने जितना भी गोल्ड वोल्ड बेचा है लोन लेके लगा दूँ। नहीं दोस्तों ऐसा मत करना, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो ना, रिलायंस भी हो ना, TCS भी हो ना, तो उस स्टॉक में भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन, तो हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, एंड देन अगर कोई हमारे पास फंड्स बचते हैं तब जाके हम किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के बारे में, तो उसकी करंट प्राइस चली है 6 रुपये के आसपास, और आपको दिख रहा है मुझे तो लगता है और नीचे जाएगा, 4 रुपये के लेवल्स को टच कर सकता है। अब ये कोई बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक जनरल व्यू है मेरा। एक दिन का देखें तो 1.5% की गिरावट है, और दूसरा अगर हम देखें 1 हफ्ते का तो 6% की गिरावट है, और 1 महीने में भी 16% की गिरावट है, बट 6 महीने की बात करें तो 100% के आसपास की अपर मूवमेंट है, एक साल में 250% के आसपास की अपर मूवमेंट है। अब देखिए RSI 35 का चल रहा है, जो एक नेगेटिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जो बताता है कि अभी मतलब RSI बहुत ही वीक है और गिरावट आ सकती है, तो RSI से आप थोड़ा सा मतलब डट के रहिए, 35 का है, अब 35 का मतलब इसके अंदर और गिरावट आ सकती है। सो अगर आपको अभी बाय करना है तो मुझे तो नहीं लगता है ये सही बाय का ऑप्शन होगा, या फिर अभी RSI अगर थोड़ा सा बढ़ना चालू करता है 35 का 40 हो जाता है, 40 का 50 हो जाता है, तब जाके मैं इसको बाइंग की रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, और वो भी स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आपको अभी बाय करना है तो Q2 के रिजल्ट तक बाय कर सकते हो, यानी अगर अभी अभी बाय कर लोगे आप और Q2 के रिजल्ट आने का, अगर आपको लगता है कि Q2 का रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी अभी ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तब जाके आप बाय कर लो अभी, और Q2 का रिजल्ट अच्छा आएगा, स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, और तब आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। कई सारे लोग यही करते हैं, और मैं भी पर्सनली करने वाला हूँ। मैं अभी पर्सनली, अभी मुझे लगता है पर्सनली कि इन्फोसिस में एक रिजल्ट अच्छा आने वाला है, सो आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट, और
अदानी ट्रांसमिशन में भी मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया है। आप ये देख सकते हो कि किस तरह से इसका मूव होने वाला है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस का। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। मैंने सिर्फ 4 मिनट लिए वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो इतना ज़्यादा मतलब टाइम रहना भी नहीं चाहिए। मैंने जो भी कहना था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट और अगर आपका कुछ दूसरा व्यू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर की ज़रूर बात करेंगे और अपनी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।